स्पीड 24 स्पॉन्सर बाय कोचबिहार मिशन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड NH31 चौकचौका कोचबिहार। सांप को मारना एक गैर कानूनी अपराध है। सभी सांप वन्यजीवी संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा संरक्षित है। ग्रामीण इलाके के साधारण लोगों को ये बात समझाने के लिए मंगलवार की शाम को वन दफ्तर की ओर से हल्दीबारी ब्लॉक के दीवानगंज ग्राम पंचायत के 21 नंबर शामिल बस के रायपाड़ा इलाके में एक शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में हल्दीबारी के बीट ऑफिसर भूषण बर्मन, मेखलीगंज के बीट ऑफिसर संजीव कुमार बर्मन, SPOR के सदस्य तथा सर्वप्रेमी युवक सुमन दास सहित अन्य वर्ग के दफ्तर कर्मचारी उपस्थित थे। LIC के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर फालाकाटा ब्रांच की ओर से फालाकाटा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 120 मरीजों को फल वितरित किया गया। सितंबर के प्रथम सप्ताह को वो लोग बीमा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर LIC फालाकाटा ब्रांच डेवलपमेंट ऑफिसर संगठन की ओर से यह कर्मसूची पालन किया गया। एक प्राइवेट संस्था की पहल पर अलीपुरद्वार में विभिन्न सरकारी परियोजना पर चर्चा के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। संस्था के कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बात पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आपदा के समय में किस प्रकार लोगों की सहायता के लिए खड़ा हुआ जाए, इस विषय में आलोचना शिविर में कालचीनी ब्लॉक के दूरदराज क्षेत्रों के आम निवासी सहित विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्रों के सदस्य भी उपस्थित थे। ब्लॉक को कुपोषण से बचाने के लिए सप्ताह भर में पोषण सप्ताह चल रहा है। इस पोषण सप्ताह के अवसर पर अवर विद्यालय निरीक्षण कक्ष की ओर से 3 पौष्टिक टोकरियां सौंपी गई। जातीय पोषण दिवस के अवसर पर मंगलवार को धुपगुरी के मीलपारा में बाल विकास सेवा परियोजना अधिकारी कार्यालय के धुपगुरी अंचल के उप विद्यालय निरीक्षक तापस दास एवं धुपगुरी 3 नंबर अंचल के अवर विद्यालय निरीक्षक सुदीप विश्वास के विभिन्न पौष्टिक फल आहार समेत खाद्य सामग्री से टोकरियां सजाकर SDPO संदीप दे को सौंपा। बांग्लादेश में वैक्सीन की दूसरी डोज देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह कार्यक्रम मंगलवार की सुबह 8 बजे से शुरू किया गया। ढाका के हर सेंटर पर लोग वैक्सीन के लिए लाइन में इंतजार करते दिखे। हालांकि लाइन में किसी प्रकार की भागदड़ न मचे, इसीलिए सेंटर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अमरेंद्रनाथ सरकार की स्मृति में हाल ही में तूफानगंज महकुमा के नाटाबारी कदमतला इलाके में एक 17 दलीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस फुटबॉल प्रतियोगिता में 16 फुटबॉल टीमों ने भाग लिया। इस खेल का उद्घाटन इलाके के प्रमुख समाज सेवी गौतम राय, गोरांग सरकार सहित कई अन्य प्रमुख लोगों ने किया। तत्काल दिनहाटा स्टेडियम का कार्य शुरू करने, दिनहाटा 2 नंबर ब्लॉक के कॉलेज में पढ़ाई शुरू कराने, दिनहाटा कॉलेज स्टेडियम की फीस को कमाने सहित अन्य कई मांगों को लेकर मंगलवार को भारतीय छात्र फेडरेशन दिनहाटा आंचलिक कमेटी का दूसरा सम्मेलन स्थानीय निपेंद्र नारायण पुस्तकालय में आयोजित किया गया। इस अवसर पर SFI दिनहाटा आंचलिक कमेटी के पूर्व सभापति अंशुमाली राय ने झंडा उत्तोलन कर सम्मेलन की शुरुआत की। ससुराल पक्ष पर लगे गृहिणी की हत्या कर उसे लटका कर रखने के आरोप। पता चला है कि इस घटना के बाद आरोपी परिवार मौके से फरार है। यह घटना राजगंज के सुखानी अंचल के गुसाई खाड़ा गांव में घटी है। मृतक गृहिणी के परिवार ने आरोप लगाए हैं कि ससुराल के लोग उस गृहिणी को मारकर उसे फांसी पर टांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस कोशिश में नाकाम होने पर गृहिणी की लाश को नीचे रखकर मौके से फरार हो गए। आरोप है कि यह दावा गाँव वालों ने किया है। वैक्सीन न मिलने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मालदा चांचोल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में काफी देर तक यह विरोध प्रदर्शन चला। आरोप है कि सुबह से लाइन में खड़े होने के बावजूद लोगों को वैक्सीन का टोकन नहीं मिला एवं परिचित लोगों को ही वैक्सीन का टोकन दिया गया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बालूखार कॉलेज अपने 74 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। देश भर में कोरोना संक्रमण चल रहा है, इसी बीच बालूखार कॉलेज का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि इस दिन का कार्यक्रम स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन में मनाया गया। इस कार्यक्रम में लोगों की संख्या भी कम ही रखी गई थी। इस कार्यक्रम में बालूखार कॉलेज के प्राचार्य पंकज कुंडू, डॉक्टर शांतनु राय, विभास रंजन चौधरी, अध्यापक भवेंद्र भट्टाचार्य सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस महीने के 10 तारीख को गणेश पूजा है। इस उपलक्ष्य में
पूरा सिलीगुड़ी शहर खुशियों से झूम उठा है। सिलीगुड़ी के कॉलेज पाड़ा में 8 वर्षीय पुराने गणेश पूजा के अवसर पर पंडाल तैयार किया जा रहा है। हालांकि संक्रमण काल के कारण इस बार गणपति जी की पूजा संक्षिप्त रूप से मनाई जाएगी। प्रशासनिक सूत्रों द्वारा पता चला है कि गुरुवार 9 सितंबर से 25 सितंबर तक माता भांगा के पंचानन पुल को मरम्मत करने का काम किया जाएगा एवं माता भांगा शहर के अब्बास उद्दीन पुल पर 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक पुल की मरम्मत का कार्य चलेगा। इसी कारण से प्रशासन ने दोनों पुल पर यातायात करने पर प्रतिबंध लगा दिया। गौरतलब है कि इन दोनों पुलों पर मरम्मत के कार्य के लिए पुल पर यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन मरम्मत का कार्य स्थगित रखा गया था। एक बार फिर से दोनों पुलों की नवीकरण के लिए अधिसूचना जारी की गई है। भारत की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सीआरपीएफ जोरहाट से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह साइकिल रैली श्रीरामपुर में आकर पहुंच चुकी है। बीटीसी के कार्यकारी सदस्य अरूप दे ने आजादी का अमृत के नारे के तहत जोरहाट के दिल्ली राजघाट तक साइकिल रैली में हिस्सा लिया। इस रैली के श्रीरामपुर पहुंचने के बाद सीआरपीएफ के 129वीं वाहिनी ने उसे सलामी दी। राज्य में संक्रमण की दर में थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन अभी भी यह खतरा पूरे तरीके से टला नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है। इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द सभी छात्र छात्राओं को वैक्सीनेशन प्रक्रिया पूरा कर स्कूल को फिर से खोलने की व्यवस्था की जाए। इसी बीच सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा एक विशेष पहल की गई। बुधवार को सिलीगुड़ी कॉलेज में मुफ्त में वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया था। सत्तारूढ़ दल के एक अन्य गुट पर लगे आधी रात को प्रधान के घर पर बमबारी करने और तीर धनुष से हमला करने के आरोप है कि इस घटना में मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी गई। यह घटना दिनहाटा 1 नंबर ब्लॉक के ओकराबाड़ी ग्राम पंचायत के प्रधान रेणुका खातून बीवी के घर पर घटी है। पता चला है कि बीते कल रात के करीब 12 बजे बदमाशों के एक दल ने ओकराबाड़ी बाजार में स्थित रेणुका खातून बीवी के घर पर अचानक हमला कर दिया। उनके घर में 3 बम फेंके गए, साथ ही 4 ताजा बम बरामद किए गए। वहीं आरोप है कि बदमाशों ने घर के दरवाजे में भी तोड़ने की कोशिश की। एक पड़ोसी पर 9 साल के बच्चे के शरीर पर चावल का गरम मार फेंकने के गंभीर आरोप लगे। यह घटना बुधवार की दोपहर को मोथाबाड़ी थाना के केशवपुर इलाके में घटी है। पता चला है कि चावल के गरम मार के कारण बच्चे का शरीर बुरे तरीके से झुलस गया था। फिलहाल घायल बच्चे का मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है।